नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इस वीडियो का शीर्षक देख रहे हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम सामान्य परिचय। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के संबंध में हम कुछ सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो कारखाने हैं उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको समय पर मजदूरी मिले और सही प्रकार से, उचित प्रकार से उन्हें यह मिले, उसके लिए एक कानूनी व्यवस्था होनी अत्यंत आवश्यक है। तो भारत में या हमारे देश में जो कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं या मजदूर हैं उनको जो मिलने वाली मजदूरी है वह उचित प्रकार से सही समय पर उसका भुगतान सुनिश्चित हो, इसके लिए भारत में मजदूरी भुगतान अधिनियम बनाया गया है। तो स्वतंत्रता से पहले की यदि हम बात करें तो ये अधिनियम 1936 में बनाया गया था, जिसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं और ये संशोधन जो हैं ये समय अनुसार आवश्यक थे, इसलिए इसमें संशोधन किए गए। ये संशोधन 1937 में दो बार किए गए, उसके बाद क्रमशः 1940 में, इसके बाद 1948 में, 1950 में, 1957 में, 1964 में, 1970 में और 1976, 1977, उसके बाद 1982 में और सन 2005 में भी इसमें संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन समयानुसार अपरिहार्य थे और साथ ही साथ अब हम इस अधिनियम के जो मूल उद्देश्य हैं उनकी बात करेंगे। इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं कि जो उद्योगों में नियुक्त मजदूर हैं या जो विशेष वर्ग के जो व्यक्ति हैं जो काम करते हैं उनको मजदूरी के भुगतान का नियमन करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसी प्रकार से जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी का जो भुगतान है उसके दायित्व को निर्धारित करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है और उनकी जो मजदूरी है उसके भुगतान के समय और उसका जो माध्यम है उसको निर्धारित करना इसका तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। इसी क्रम में जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी में से जो अनुचित कटौतियां होती हैं उनकी रोकथाम करना इसका अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य निश्चित किया गया है और मजदूरी भुगतान संबंधी जो प्रावधान हैं उनका पालन यदि नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पालन नहीं करने के लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति हैं उनको दंडित करना इस अधिनियम का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार से मजदूरी के भुगतान का नियमन करना, भुगतान के दायित्व को निश्चित करना, भुगतान का समय और माध्यम को निश्चित करना, अनुचित कटौतियों की रोकथाम करना और पालना नहीं होने की स्थिति में दंड का जो प्रावधान है उसे निश्चित किया गया है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का जो विस्तार है या ये कहाँ कहाँ लागू होता है इसके संबंध में भी कुछ प्रावधान निश्चित किए गए हैं। यह अधिनियम अब हमारे देश में संपूर्ण रूप से लागू होता है, अर्थात यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू होता है। कुछ समय पूर्व तक यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर के संपूर्ण देश में लागू होता था, लेकिन अब यह अधिनियम संपूर्ण देश में लागू होता है और यह व्यवस्था अब केंद्रीय सरकार के द्वारा जो सेंट्रल लेबर लॉज हैं उनके माध्यम से कर दी गई है। यह अधिनियम सबसे पहले 28 मार्च 1937 से प्रभावी हुआ था और तब यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था, किंतु सन 1950 से अब यह संपूर्ण देश में लागू होता है। अब हम बात करेंगे कि ये अधिनियम किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है। इसके संदर्भ में भारतीय जो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 है इसकी धारा है 1 और उसकी उपधारा है 4, इसमें इसकी व्यवस्था दी गई है। इसमें बताया गया है कि वे व्यक्ति हैं इसमें जिनके ऊपर ये अधिनियम लागू होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कारखाने में नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी मजदूरी के भुगतान पर यह अधिनियम लागू होता है। रेलवे प्रशासन द्वारा किसी रेलवे में नियुक्त जो व्यक्ति हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। रेलवे प्रशासन के साथ किसी ठेके के अनुबंध को पूरा करने के लिए
किसी ठेकेदार द्वारा या उप ठेकेदार द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी मजदूरी के भुगतान पर यह अधिनियम लागू होता है। इसी प्रकार से किसी भी ऐसे औद्योगिक या अन्य संस्थान में जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनकी मजदूरी के भुगतान पर भी यह अधिनियम लागू होता है, जिनका संबंध धारा 2 की उपधारा द्वितीय के उपखंड ए से एच तक में और निश्चित किया गया है। तो इस धारा में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं उनकी भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। ट्रॉमवे और बस परिवहन सेवा संस्थान, जो यात्रियों अथवा माल अथवा दोनों को सड़क मार्ग से किराए पर, भाड़े पर लाने अथवा ले जाने के काम में लगे हुए हैं, उन पर यह लागू होता है। सेना या नागर विमानन मंत्रालय के लिए जो परिवहन सेवा प्रदान करने वाले संस्थान हैं उनको छोड़कर जो अन्य सभी हवाई परिवहन सेवा संस्थान हैं उन पर यह लागू होता है। डॉक, घाट या जेटी, एक प्रकार से जो बंदरगाह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर यह लागू होता है। यंत्र चालित अंतर्देशीय जो जलयान होते हैं, जो केवल देश देश के अंदर, एक देश के अंदर जो जहाज हैं पानी के, वो जो चलते हैं यंत्र चालित हैं, उन पर लागू होता है। खान, खदान या जो तेल क्षेत्र हैं वहाँ लागू होता है। जो बागान होते हैं वहाँ पर लागू होता है। इसी प्रकार से जो कोई भी वर्कशॉप या अन्य संस्थान जिसमें वस्तुओं को उनके उपयोग, परिवहन या विक्रय के उद्देश्य से या तो उत्पादित किया जाता है अथवा उनका अनुकूलन किया जाता है या फिर उनको उनका विनिर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर भी यह क्रमशः लागू होता है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसा संस्थान जिसमें भवन, पुल या नहरों का निर्माण होता है, विकास या अनुरक्षण संबंधी कार्य होते हैं, नौ परिवहन संबंधी कार्य होते हैं, सिंचाई या जल आपूर्ति संबंधी कार्य संपन्न किए जाते हैं अथवा बिजली या जो अन्य प्रकार की शक्ति का उत्पादन होता है या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है, वहाँ पर भी ये लागू होता है। इसी प्रकार से किसी भी संस्थान या किसी भी वर्ग के जो संस्थान हैं उनमें नियुक्त किसी भी व्यक्ति की मजदूरी का भुगतान जिसके संबंध में समुचित सरकार ने धारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई हो, यानी कि जो राजपत्र होता है सरकार का उसमें यदि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है धारा 2 की उपधारा द्वितीय के खंड एच के अधीन यदि ऐसा किया गया है तो वहाँ पर भी ये लागू होगा। साथ ही साथ उन व्यक्तियों की भी मजदूरी के भुगतान पर यह अधिनियम लागू होता है जिनकी प्रतिमाह मजदूरी 6,500 रुपये अथवा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है उससे अधिक नहीं हो। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि धारा 2 की उपधारा द्वितीय के उपखंड ए से एच तक में जो संस्थान या जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार ने मजदूरी की राशि 6,500 रुपये से अधिक ही निर्धारित 6,500 रुपये जो है वो निर्धारित की है या उससे अधिक निर्धारित कर सकती है, ये सब चीज़ें जो हैं केंद्र सरकार के विचाराधीन होती हैं। तो केंद्र सरकार ऐसी राशि का निर्धारण नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, उसके द्वारा कंज्यूमर से जुड़े हुए जो इंडेक्स होते हैं या सूचकांक होते हैं उनके आधार पर ऐसा किया जाता है या जो आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं उनके आधार पर यह निश्चित किया जाता है। इस राशि का निर्धारण हर 5 साल के बाद में किया जाता है और ये कितनी राशि होगी इसका भारत सरकार का जो राजपत्र है उसमें और प्रकाशन भी किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने 11 सितंबर 2012 को ये जो मजदूरी है इसकी राशि 18,000 रुपये निर्धारित की है और ये नोटिफिकेशन जो है और 11 सितंबर 2012 को जारी हुआ है। तो ये थी भारतीय मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के संबंध में सामान्य जानकारी जो कि आपके पाठ्यक्रम में है और ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से भारत में भारतीय मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है और इसके अधीन जो वैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उनके संबंध में और जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।